दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी और दोनों मामलों में दे दी, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दे दी। और यही नहीं, तमाम जो डिसीजन हुआ है उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो टोटल मनीष सिसोदिया के फेवर में और उनको प्रोटेक्शन देती हैं। पूरे आपको बता रहे हैं, न्याय क्षेत्र पे अधिकतर एडवोकेट पे ये चर्चा है कि जिस तरह का फैसला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया को बहुत ज़्यादा बल मिला है और ये उम्मीद आम वकीलों को नहीं थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो स्वीकार है, सर्वोपरि है, मगर इस डिसीजन पे चर्चा जरूर हो रही है क्योंकि एक एक चीज़ ऐसी क्लियर की गई है जिसमें मनीष सिसोदिया को प्रोटेक्शन मिलता है। हालांकि उनके उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई भी उंगली नहीं, परंतु कोई भी उनके प्रति कमेंट्स नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, मगर आम वकीलों में ये चर्चा चल रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उन्होंने रिजर्व रख लिया था, आज इस पर डिसीजन था, फैसला था। आज इस पर थोड़ी सी बहस भी हुई और सॉलिसिटर जनरल एस बी राजू ने भी बहस की, उनके भी एडवोकेट ने की। उच्चतम न्यायालय ने आज शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने शराब नीति मामले में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया के छूटने के चांसेस हो गए हैं बहुत अधिक, चूँकि दोनों मामले में और तमाम बातें ऐसी कही गई जिससे मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई है। अब देखिए, हाल के उदाहरण का हवाला उन्होंने देते हुए कहा, जिसमें कहा गया कि अगर जांच एजेंसियां त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं तो अपराध की गंभीरता को हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकती। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा ये भी कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों को पोस्ट पेश किए जाने पर मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय ने कहा कि 400 से अधिक गवाहों और हजारों दस्तावेजों को देखते हुए निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीरता का उल्लंघन है। जब ये बात कही तब सॉलिसिटर जनरल एस बी राजू जी ने भी कहा कि साहब ये तो सब ठीक है, परंतु अरविंद केजरीवाल को जो शर्तें लगाई गई थी, और वो शर्तें थी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, दस्तावेज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं, और ये भी चीज़ इनके उस पर भी लागू हो, ये बात एस बी राजू जी ने कही। आपको बता रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, आम वकील भी नहीं समझ पा रहा इस बात को कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, समाज में बड़ी गहरी जड़ें हैं। ये चीज़ कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, ये चीज़ आम वकीलों को भी समझ में नहीं आई। मामला अदालत में था, न्यायिक अदालत था, रिश्वत का मामला था, शराब घोटाले का था, मगर अदालत ने जो ये कहा, समाज में गहरी जड़ें हैं और इनके भागने का कोई भी जोखिम नहीं है, ये भी अदालत ने एक प्रकार से सर्टिफाइड सा किया, एक प्रकार से अपरोक्ष रूप में सर्टिफिकेट दिया, समाज में गहरी जड़ें, भागने का जोखिम नहीं, अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकट के हैं। ये उन्होंने कहा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकट के हैं जो पहले से एकत्र किए जा चुके हैं, इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। वहीं गवाहों के शर्तों के लिए जब ये हुआ कि इनके ऊपर होने चाहिए, बोले गवाहों के शर्तें लगाई जा सकती हैं। अब आपको बता रहे, वकील से तमाम वकीलों का ये कहना है, ये चीज़ थोड़ी समझ से पड़े है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा समाज में गहरी जड़ें हैं, ये मामला, ये चीज़ आउटर है। तीसरा, भागने का जोखिम इसमें नहीं है, ये मतलब वो एक कैदी के लिए कहें और ये कहें अपील करता के लिए,
तो उससे ये आज का मेन चीज़ निकला, और ये भी कहा अधिकांश सात दस्तावेजी प्रकट के, उससे एक चीज़ निकली कि जो डिसीजन है वो लगता है पूर्णतया उनके फेवर में, और इस तरह के डिसीजन इतने बहुत कम आए हैं, ये आम वकीलों का कहना है। खैर जो भी है, सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य है, परंतु जिस तरह का डिसीजन है लोगों के चर्चा पे रहेगा। ऐसे ही एक डिसीजन आपको बताना है, बिंदु न्याय का, अभी वहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में जो हुआ था उसकी भी सब जगह आज दिन तक चर्चा। देखिए डिसीजन जो भी हो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान है, मगर अगर कोई डिसीजन ऐसा होगा तो थोड़ा सा लोगों को चर्चा होगी और लोग इसको इसमें चर्चा करेंगे, मगर ये ऐतिहासिक डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता, कतई नहीं कहा जा सकता, मगर डिसीजन को लेकर के लोगों के अंदर असमंजस है, मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑनर है उसमें कोई नहीं। वहीं आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा जो चीज़ आम वकीलों को नहीं समझ में आ रही, चाहे वो लोअर का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल और हाई कोर्ट ने कोई गलती नहीं की, ये वो कह रहे हैं कोई गलती, उसके साथ क्या कही वो चीज़ भी लोगों के समझ नहीं आ रही, ट्रायल की देरी की पहलू पर विचार ना करके गलती की। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप ट्रायल पे चले जाइए या लो हायर में जाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के उस पर डिसीजन दिया, वहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ट्रायल की देरी के पहलू पे विचार न करके गलती की। ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह सकता था, मगर आज डिसीजन में इतनी बातें करना के और सिसोदिया जी के फेवर में इतना ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से सिसोदिया जी के फेवर में इतना तगड़ा डिसीजन और एक एक पहलू का, मेन बात ये थी उनके बेल का, सुप्रीम कोर्ट बेल देते वेलकम था, परंतु जो और भी चीज़ें दी हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अक्टूबर 2023 की टिप्पणियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, ये बात कही गई। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो चर्चा पे हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के बी विश्वनाथन की पीठ ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के निष्कर्षों में से असहमत जताई कि मुकदमे में देरी सिसोदिया के कारण हुई। इसमें साफ है 6 अगस्त को के मुकदमे में देरी सिसोदिया के कारण हुई। वहीं आप देखिए न्यायमूर्ति श्री गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया को दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब न्यायमूर्ति जी ये भी कह रहे हैं कि दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें अभियोजन पक्ष के अप्रमाणित दस्तावेज भी शामिल हैं, क्योंकि वे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे हाई कोर्ट और लाउज एवेन्यू कोर्ट के लिए भी कह दिया, जबकि और भी कई मामले हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप लोअर कोर्ट में चले जाएं, ट्रायल कोर्ट पे या हाई कोर्ट के लिए, और आज इस तरह का। अब आपको बताना है कि इसमें सिसोदिया जी का हुआ है, मगर अरविंद केजरीवाल वाले मामले में दूसरी चीज़ है। अब आया क्या अरविंद केजरीवाल भी ऐसे छूट जाएंगे, कतई नहीं छूट सकते हैं, उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट उनको बेल कर चुकी थी, मगर इंटिम बेल थी, इंटिम बेल के बाद लोअर कोर्ट में उनके खिलाफ बहुत से प्रमाण दिए गए हैं और वो प्रमाण जो हैं वो सॉलिड प्रमाण हैं, इस कारण अब इनकी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के छूटने के कोई भी आसार कतई भी नहीं है इस डिसीजन से। अब आपको बताना है इसके बाद क्या है, हो सकता है मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएं या आ जाएं, उनका परवाना चला जाए, वो बाहर आ जाए। अब आपको बता रहे हैं वहीं आप खेमे में बड़ी सरगर्मी है सुनीता केजरीवाल जी का, ये चलिए ठीक है 15 अगस्त को हम तो झंडा रोहण नहीं कर पाएंगे, तो आतिशी भी नहीं कर पाएंगी, अब मनीष सिसोदिया जी करेंगे 15 अगस्त को। अगर मनीष सिसोदिया जी करेंगे तो आपको बता रहे हैं ये पार्टी टूटेगी और केजरीवाल को अब वहाँ से इस्तीफा भेजना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये आ रहा 15 अगस्त को आतिशी से झंडारोहण आपका कार्यकर्ता नहीं चाहता और दिल से सुनीता केजरीवाल भी नहीं चाहती हैं। तो कुल मिला के आप में टूटन के वो बढ़ गए
और जो ये जो डिसीजन आया है इसकी सब जगह चर्चा चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं और लोगों को खुद ये डिसीजन मतलब चर्चा पे है, बहस पे है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।